कंपटीशन अब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको जो अभी बिहार टीचर रिक्रूटमेंट जो 2023 जो नियमावली के अनुसार जो आयोग के द्वारा एग्जाम होने वाला है उसके क्या सिलेबस हो सकते हैं। विगत जो एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के द्वारा जो कि टीचर से रिलेटेड जो एग्जाम हुआ है उसमें क्या सिलेबस थे, और एक जो प्रस्तावित एग्जाम था प्रधान शिक्षक का वो नहीं हुआ क्योंकि नियमावली को लाना था सरकार को, तो इसीलिए सरकार ने उस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवाया था, लेकिन वह भी एग्जाम बीपीएससी के द्वारा ही लिया जाने वाला था, तो उसके क्या सिलेबस थे, और अब जो आपका एग्जाम होगा उसके सिलेबस के क्या होने की संभावना है। देखिए मैं अभी संभावना बता रहा हूं, हाँ 90% है कि चांस वही होगा, 10% में कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कई लोग बोलते हैं क्या बीपीएससी सच में यह एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, तो देखिए बिहार सरकार के पास अगर जल्दी से इस बहाली को पूरा करना है, और जल्दी ही कहिए चूंकि 2024 में जैसा कि आप लोग हम लोग सब जान रहे हैं कि चुनाव है, तो उससे पहले सरकार का प्रयास जरूर होगा कि यह काम को पूरा करे, तो वह कोई नई आयोग गठन के चक्कर में नहीं रहेगी, पहला नंबर। इसीलिए शक जो है डायरेक्ट बीपीएससी पे जा रहा है कि एग्जाम कंडक्ट बीपीएससी ही करवाए। दूसरा आपका जो है कर्मचारी चयन आयोग जो है, कर्मचारी चयन आयोग जो है आपका बिहार एसएससी, तो उसका आप जान ही रहे हैं लेट लतीफी कितना होता है, एक एग्जाम को कंडक्ट करवाते करवाते वो 10 वर्ष लगा देती है, तो कभी भी सरकार नहीं चाहेगी कि उस आयोग को यह एग्जाम कंडक्ट कराने दे, तो उम्मीद 99% है कि यह एग्जाम जो है बीपीएससी ही कंडक्ट कराएगी। जैसा कि पहले भी हमारे जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने बोला है कि बहुत ज्यादा वैकेंसी बीपीएससी में आने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो टीचर वाला ही वैकेंसी को इंक्लूड करके वो पहले से बोलते आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कोई भी काम होता है तो सरकारी कर्मचारी जो बड़े अधिकारी हैं उनको सूचना पहले से होती है, तो वो पूरा लीक तो नहीं करते लेकिन थोड़ा बहुत वो अपने जो भी मीडिया में हो या कहीं ना कुछ वो सारांश दे ही देते हैं, उससे अंदाज आप लगा सकते हैं। और बीपीएससी अगर एग्जाम लेगी तो वह किस प्रकार का पैटर्न दे सकती है, क्योंकि दो प्रकार के एग्जाम की संभावना थी पहले, जैसे प्रधान शिक्षक का था और हेड मास्टर के लिए था, तो हम लोग मेन रूप से जो उसका प्रधान शिक्षक के लिए जो पैटर्न था जो सिलेबस था उसको फॉलो करें तो 90% संभावना होगा कि यह सिलेबस फॉलो किया जाएगा। और दूसरा है आपका प्रधानाचार्य के लिए जो हुआ है हेड टीचर के लिए, हेड मास्टर के लिए, हेड टीचर नहीं, हेड मास्टर के लिए जो एग्जाम हो चुका है उसका पैटर्न को देखेंगे, दोनों पैटर्न को देखेंगे और लास्ट में हम निष्कर्ष निकालेंगे कि अब क्या पैटर्न आपका हो सकता है, क्योंकि अभी जो भी तैयारियां आप करेंगे वो संभावना आधारित होगी, और कौन सा चीज पढ़े जो एकदम बिल्कुल वो आएगा ही, ये आपको सबसे जरूरी है पता होना। ठीक है, बीपीएससी का एक व्यापक एक सिलेबस होता है ऐसे अगर आप देखिएगा, लेकिन जो पहले से देते आए हैं तो उनको एक्सपीरियंस है कि कौन कौन सा टॉपिक से बीपीएससी बार बार प्रश्न बनाता है, और वो किसी भी प्रकार का ले, कर्मचारी के लिए, असिस्टेंट के लिए, अकाउंटेंट के लिए, वो उसी तरीका का प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखिएगा प्रधान शिक्षक के जो सिलेबस में बात की गई थी तो 75 प्रश्न जो है, और देखिए इसमें घबराने की बात नहीं, अगर एग्जाम हो रहा है तो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, आप डायरेक्ट नियमित शिक्षक बनेंगे और आपकी आकर्षक सैलरी होगी, जैसा कि माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने बोला है, तो पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव नहीं सोचिए फिलहाल। और नए अभ्यर्थियों के लिए, हाँ पुराने वाले अगर आंदोलन कर रहे हैं उनका मांग जायज है, क्योंकि वो 20 साल से इसमें योगदान दिए हुए हैं शिक्षा में, जो भी है उसको बचा करके रखे हुए, ठीक है, तो उनकी राजकर्मी की जो मांग है वो जायज है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी जो इसको रद्द करने की बात कर रहे हैं वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, एग्जाम देने में क्या है, यहां पर 75 प्रश्न आपके जो शिक्षण से जुड़े हुए रहेंगे, शिक्षण पद्धति, जो शिक्षा जगत के जो शिक्षा शास्त्र आप पढ़ते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपने बीएड में किया है, बीएलएड में किया है, ठीक है,
इन सब जगहों पे आपने ये पढ़ा है, और जो लोग टीचर हैं वो भी आप दीक्षा कार्यक्रम का जो है आपका जो भी आप करते हैं उस पोर्टल पे आपके आपके जो इस तरह के जो प्रश्न आते रहते हैं साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, या जो अभी शिक्षा नीति है, तो वो सबसे रिलेटेड आप तो अवेयर रहते हैं पहले से, तो आपके 75 प्रश्न तो आप आसानी से बना सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं है, मैं बता दूंगा किस प्रकार से सोचना है। पॉजिटिव सोचिए, आप आसानी से 75 अगर प्रश्न पूछ दे तो आप जरूर 50 क्वेश्चन तक आप सही कर लेंगे, 25 जाने दीजिए, और आप मात्र 65 नंबर ले आइए, 65 प्लस, मैं गारंटी के साथ अभी बोल रहा हूं, अभी कुछ जारी नहीं हुआ सिलेबस, आप पास कर जाइएगा। उसके पीछे रीजन है, रीजन है कि आपका नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, यहां आपके लाखों वैकेंसियां हैं, और विद्यार्थी कितने होंगे, कितने अभ्यर्थी होंगे, अगर पुराने शिक्षक को भी इंक्लूड कर दिया जाए 3 से 4 लाख उनकी संख्या होगी, और नए वाले 3 लाख होंगे, बहुत होंगे, तो 7 लाख लोग अगर अपीयर होंगे। लेकिन इसमें से हमको नहीं लगता है पुराने वाले में से 2 लाख भी टीचर अपीयर होंगे, क्योंकि वो नहीं देंगे एग्जाम, क्योंकि उनकी सैलरी पहले से है। हाँ, जिनको राजकर्मी का दर्जा लेना होगा, मैक्सिमम लोग तो 2-4, 5 साल या 10 साल में रिटायर होने वाले हैं, वो ज्यादा माथा पच्ची नहीं करेंगे, और उनकी एज भी नहीं है पढ़ने की, तो सरकार को तो उनको ऐसे ही कर देना चाहिए नियमित शिक्षक के रूप में, वो सरकार की इच्छा है जो भी हो। लेकिन जो बाद बाकी आपका कंपटीशन कितने का है, 3 लाख या 4 लाख लोग बैठेंगे इस एग्जाम में, 4 लाख या 5 लाख या मानते हैं 5 लाख में आप कम से कम 2.5 लाख, जैसा कि सरकार बोल रही है उसी के हिसाब से चलिए, सरकार बस जो बोल रही है, आप सरकार जो बोली है उसी के बात को आप कहिए कि करने के लिए सरकार को, कि आप 2.5 लाख लेकिन बहाली करेंगे, आप पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात आप बोल दें कि जो एग्जाम होगा उसी एग्जाम के आधार पर 2.5 लाख का, ये नहीं कि 5 लाख बैठेंगे और 400 का रिजल्ट आप दीजिएगा जैसे हेड टीचर का। हाँ, ऊपर से जो लोग आएंगे उनका आपको सिलेक्शन करना होगा, इस बात को पहले से आप लोग जो आंदोलन अगर करते हैं तो इस बात का मांग रखिए, ना कि नियमावली को रद्द करवाइए। नियमावली रद्द करवाते हैं तो शिक्षा जगत के लिए फिर बिहार जो है पीछा हो जाएगा अन्य राज्य की तरह। फिर जब आप टीचर का जॉब में जाएंगे तो आप 20-22 हजार की सैलरी पे 2 साल अनट्रेंड की वेतन लेंगे, और जब आप जॉब में जाइएगा फिर आपको पता देगा कि 20-22 हजार में क्या होता है आज के डेट में इस महंगाई में। तो अगर आपको अभी हेड टीचर की बहाली थी तो उसमें हेड मास्टर के लिए 12 साल एक्सपीरियंस मांग रहा था, हम लोग एलिजिबल नहीं हुए, हम भी टीचर हैं, यहां आपके 8 साल मांगे जा रहे थे प्रधान शिक्षक के लिए, ठीक है, उसमें भी ट्रेंड के बाद तो मैक्सिमम टीचर यहां भी एलिजिबल नहीं थे। अगर उनको मौका मिल रहा है, अगर आप लोग को मौका मिल रहा है तो आप विरोध नहीं करें, बल्कि अरे इतना दिन पढ़े, इतना दिन वेट किए, तो 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना और वेट कर लीजिए, लेकिन एक बार जाइए, अच्छे से जाइए, सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ जाइए। कोई भी बोलेगा बीपीएससी के थ्रू आया है, नियमित शिक्षक है, 60,000 सैलरी, एक सैलरी जो प्रतिष्ठा के साथ समाज में जीने के लिए बहुत अच्छा सैलरी माना जाएगा बिहार के लिए, ठीक है। तो जो सरकार कह रही है, सरकार के बातों में ही अगर आप विरोध करते, सरकार के बातों में ही आप जो है उनको सरकार पे आप ये कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम होने दीजिए, एग्जाम होगा तभी। और कई लोग जो है, आपको पता ही है बिहार में किस प्रकार से टीईटी पास किए हैं और सीटीईटी पास किए हैं, वैसे लोगों की भी संख्या है। तो वैसे लोगों के लिए क्या करना है कि अगर सरकार को योग्य लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो हमारे आपके पूरे भविष्य के लिए जो है यह शिक्षा जगत के लिए बहुत बेहतर कार्य होगा। चलिए सिलेबस में बता दूं, 75 क्वेश्चन तो आप शिक्षण जो भी शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा, हो सकता है चाइल्ड साइकोलॉजी से हो, शिक्षण पद्धति से हो, शिक्षा विद से हो, तो पूरा आप डीएलएड बीएड का जो भी सिलेबस आप जानते हैं उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। दूसरा सेक्शन है बीपीएससी का जो अपना पैटर्न है वो जरूर फॉलो करेंगे, तो 75 क्वेश्चन का ही तो आपका फॉलो करना है। अगर प्रधान शिक्षक बीपीएससी वाला सिलेबस भी फॉलो करती है, और यही करेगी, 90% चांस है, नहीं तो अगर हम इसको 75 में हम 50 भी कर सकते हैं, घटा देंगे और क्या कर सकते हैं, लेकिन 50 तो शिक्षण शास्त्र से रहेगा। 75 क्वेश्चन में याद रखिएगा आप, 20 क्वेश्चन आपके कम से कम हिस्ट्री पोर्शन से रहेंगे, और हिस्ट्री में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे विशेष ध्यान देना है। अगर 20 पूछे जाएंगे तो 10 मॉडर्न के रहेंगे, 10 में ही आपके जो वर्ल्ड पूछ दे, एनिशियंट पूछ दे,
और ये सारे सिलेबस आपके 10th तक के सिलेबस रहेंगे। आपको 11th 12th में भी नहीं जाना है, बस 10th तक का आपको इतिहास पढ़ लेना है। अगर वो नहीं कर सकते तो हमारा नोट से मात्र 30 से 40 पेज का हिस्ट्री का, और गारंटी के साथ जब एग्जाम हो जाए तो बात कीजिएगा, सारे प्रश्न वहीं से आते हैं, हर एक बार आते हैं। हमने एसटीटी में भी करवाया था और जो लोग किए होंगे उनको पता होगा मेरे बारे में, ठीक है। अभी हमारा एक चैनल और है, वो भी लिख लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बीपीएससी मास्टर, ठीक है, बीपीएससी मास्टर। जो लोग इस चैनल को पढ़े थे अभी 67th मेंस में, उनसे पूछिएगा इस चैनल का क्या महत्व है। जितने प्रश्न हमने गेस किए सारा डायरेक्ट उसी फॉर्मेट में पूछा गया, मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीपीएससी मास्टर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पहले वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करना, ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहां पे 75 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री मॉडर्न पे विशेष फोकस करना है, 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के रह सकते हैं, 10 क्वेश्चन मिला करके ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स के रहेंगे, 5-5 क्वेश्चन ही हम मानते हैं ये रहेंगे, ठीक है। कितना हो गया, 40 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे करेंट अफेयर्स के, ठीक है, कहां के रहेंगे, करेंट अफेयर्स। तो 15 क्वेश्चन आपका यहां से हो गया, तो आपका हो गया 55। अब 20 क्वेश्चन बचा, 20 क्वेश्चन आपके जो होंगे, 20 में आपका 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रहेंगे, मैथ रीजनिंग के, और इसमें से 10 क्वेश्चन जो है अब आपका साइंस का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीका से प्रश्न पूछे जाएंगे, पैटर्न अगर हेड टीचर वाला रहा तो, अगर आपका हेड मास्टर वाला रहा तो वो भी हम बता देते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग को क्या करना है कि फिलहाल जो हिस्ट्री जो है आपका, इसको अच्छे से पढ़ना है, मॉडर्न एनिशियंट जो भी है, 20 क्वेश्चन, चूंकि यहां पे बीपीएससी में ज्यादा प्रश्न हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। उसके बाद पॉलिटी है, ये सब आसान सा टॉपिक है, ये सब तेजी से हम लोग कवर करके पहले से रहेंगे। करेंट अफेयर्स लास्ट में जब बचेगा 10 दिन तो हम लोग अच्छे से रिविजन कर लेंगे, वो भी 2-3 मंथ का, ज्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत करेंगे तो जनवरी से लेकर के जब एग्जाम होगा उसका कर लेंगे, 5-6 महीने का करेंट अफेयर, वो नोट्स पीडीएफ हम सारा दे देंगे, इंपॉर्टेंट वो पढ़ के जाइएगा, सारा लग जाएगा। साइंस के बेसिक क्वेश्चन होंगे, ये पढ़िए नहीं पढ़िए आप लोग थोड़ा बहुत तो बना ही लीजिएगा। मैथ बहुत लोग का कमजोर है, तब भी टेंशन नहीं लेना है, जो लोग समझ जाएंगे मैथ बना लेंगे नहीं छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 75 क्वेश्चन तो इधर से आएंगे, इसमें आप 50 ला ही रहे, इधर आपको 15 नंबर तो लाना है, 15 से 20 नंबर लाना है। अब कहिएगा कि अन्य परीक्षा में 100 प्लस चला जाता है, अन्य परीक्षा में सीट कितने होते हैं, 300-400, और बच्चे कितने होते हैं, और बच्चे टैलेंटेड होते हैं, जो बीपीएससी यूपीएससी क्रैक करते हैं वो पहले से बहुत अच्छा तैयारी करके जाते हैं, तब जाके 100 प्लस लाते हैं, ठीक है। और आप लोग का जब एग्जाम होगा तो इसमें कौन बच्चे हैं, जो ऑलरेडी पहले से जॉब में हैं, या पढ़े हुए 10 साल हो गया, या अभी तुरंत भी आए हैं, तो उनको ये सब का नॉलेज कम है। ये चूंकि जनरल कंपटीशन का है, बीपीएससी का है, तो टीचिंग वाला अलग सिलेबस, तो आपका जो कंपटीशन है सामान्य स्टूडेंट से नहीं है, इसीलिए एग्जाम देने से बिल्कुल नहीं घबराइए। सरकार बोल रही है तो उसको बोलिए, एग्जाम लो तुम, हम तैयार हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग जो है, हम ये नहीं कहते हमारा कोर्स लीजिए आप या पढ़िए, हम ही से पढ़िए, आप बस लूसेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। लूसेंट का एक बिहार स्पेशल का आता है केबीसी नैनो, या महेश वर्णवाल का आता है बिहार स्पेशल का, उसको लेके पढ़ लीजिए। करेंट अफेयर्स अभी से अगर लास्ट में ही लेते हैं तो एसपीडी का पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बिहार स्पेशल करेंट प्लस इंडिया का, आप एग्जाम देने जाइए, नहीं पास करते हैं तो आप फिर कहिएगा हमें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, सरकार जो कह रही है उसको फॉलो कीजिए। चलिए अब आते हैं कि अगर सरकार इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, आयोग अगर फॉलो नहीं करता है तो किसका करेगा, तो हेड मास्टर वाला भी कर सकता है, उसी में आपका लेवल क्या कर देगा, थोड़ा सा डाउन कर देगा, लेकिन आपका जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हेड मास्टर का जो एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न भी दिखाए थे, 65 नंबर पे बच्चों का मतलब अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ जो 12 साल पहले से पढ़े हुए, और मात्र जो 42% प्लस लाने वालों की संख्या मात्र 400 से 500 ही थी। अब सोच लीजिए, लाखों में फॉर्म भरे गए और बच्चे पास किए 400-500, ये नहीं है कि ये मतलब 90 नंबर ला करके फेल हो गए, ये 42% नहीं ला पाए,
ठीक है, क्यों नहीं ला पाए, तो उसके पीछे रीजन है कि ये मैक्सिमम लोग वो थे जो 12 साल 15 साल एक्सपीरियंस वाले थे और उनका पढ़ाया लिखाया जो भी है, पढ़ा लिखा बहुत दिन हो गया, तो वो लोग इतना भी नंबर नहीं ले पाए, ठीक है, और सीरियस लिए भी नहीं उस एग्जाम को, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी 40-45 सैलरी उठा रहे हैं, 50-55 के लिए वो उतना माथा पच्ची नहीं किए, ठीक है। लेकिन आप लोग को करना चाहिए, और आप लोग अभी करेंट है 42%, अगर 150 का 42% अगर कीजिए तो 65 नंबर से ज्यादा नहीं होगा, ये जनरल कैटेगरी की बोल रहे हैं, 33% आरक्षण वाले का हो जाएगा, महिला लोग को तो 33% पे उठा लेगा, गारंटी बोल रहे हैं। 50-55 नंबर अगर आप ले आते हैं बीपीएससी में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आप जो है नियोजित का जो आपका दाग लगेगा ना उससे बच जाइएगा। बात को समझिए, विरोध कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जिनको करना है कीजिए, लेकिन एक बार अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दे करके सोच लीजिए, उसके बाद कीजिए, ठीक है। इतना परीक्षा दिए ही, एक परीक्षा को अगर आप अच्छे जॉब में जाते हैं और आप आके भी क्या कीजिएगा नियोजित में, 22,000 सैलरी मिलेगी, 22,000 में क्या होता है, क्या होगा आपके साथ, अब आप सोचिए, परिवार देखिएगा, फैमिली देखिएगा, माता पिता की क्या सेवा कीजिएगा 22,000 की सैलरी में, क्या महानगर में रहिएगा, रूम रेंट लगेगा आपको 20,000 रुपया, सब लोग तो गांव में जाके नहीं करेंगे ना, जो शहर के लोग हैं शहर में जाके करेंगे। तो बात को आप समझते नहीं है, विरोध करते हैं, कीजिए, सरकार आप लोकतंत्र में है, विरोध करना भी चाहिए, लेकिन जब आपका आपके खिलाफ हो, आपको फायदा नहीं हो तब कीजिए, आपको जब फायदा हो रहा है तो आप विरोध कर रहे हैं। चलिए, कई लोग को मेरा कहना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर दे करके जरूर सोचिएगा। चलिए, तो अगर हेडमास्टर का आता है तो इसमें हमने देखा था 40-45 के अराउंड ही प्रश्न थे आपके टीचिंग के, टीचिंग एप्टीट्यूड इसको कह लीजिए ओवरऑल, ठीक है, जो कि आप लोग दे के आए हैं सीटीईटी में, बिल्कुल वही रहेगा 40-45 प्रश्न। उसके बाद इसमें क्या होगा कि बिहार स्पेशल के प्रश्न इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री का प्रश्न हमने आपको दिखाई था, 20 प्रश्न थे। उसके बाद आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये तीनों मिलाकर के 20 प्रश्न होंगे, ठीक। उसके बाद आपका करेंट अफेयर्स के प्रश्न आपके लगभग 20 की संख्या में होगी, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, लगभग 100 पुर गया। उसके बाद आपका जो साइंस होगा, साइंस के प्रश्न 30 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न आपके जो हैं मैथ रीजनिंग के, या 20 प्रश्न हो जाएंगे मैथ प्लस रीजनिंग के, आपके 20 प्रश्न तक जा सकते हैं, तो आपका 150 पुर गया, 40, 20, 60, 80, 100, 120, 140 ज्यादा हो गया। चलिए, यहाँ पे आप घटा दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे साइंस जब देगा तो ये मैथ रीजनिंग का 10 ही प्रश्न देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई सेक्शन में आपका कमोबेश कर सकता है, तो ये आपका ओवरऑल इसी तरीका के 10 प्रश्न हो, 15 प्रश्न हो, तो इसमें हो सकता है बिहार स्पेशल का है तो बिहार स्पेशल को घटा देगा, क्योंकि बिहार स्पेशल आपके हिस्ट्री में भी आ जाते हैं, ज्योग्राफी जो बिहार का उसमें भी आ जाएगा, तो इस तरीका से आपका 150 नंबर का पैटर्न बन सकता है, तब भी आपका 40 नंबर वेटेज किसका होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो अभी से आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, ठीक है, करेंट अफेयर्स, ये सब देखना शुरू कर दीजिए। अरे अगर मान के चलिए पास नहीं भी करते हैं तो नॉलेज तो आपको होगा, इसमें तो आपको खराबी तो कुछ करेगा नहीं, और पास क्यों नहीं होइएगा, जब आप पढ़ के जाइएगा, जब आप 3 लाख सीट में, 2.5 लाख सीट में नहीं पास करेंगे तो आप 300-400 में कैसे पास करेंगे। बहुत लोग गाना बना करके छोड़े हुए हैं कि जब बीपीएससी ही करना होगा तो हम जो है डीएम, एसडीओ और बीडीओ क्यों नहीं बनेंगे, यूपीएससी। तो देखिए भाई साहब, जो भी गाना बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पहले सोचिए, बीपीएससी कंडक्ट करवाती है एग्जाम, बीपीएससी आपको केवल एक एग्जाम देने के लिए, या बिहार सरकार एक एग्जाम देने के लिए बोल रही है, और आप जब अधिकारी बनते हैं तो वहां आपको प्री भी लिखना है, लाखों की संख्या में बैठते हैं, 10% मात्र सीट का रिजल्ट होता है, 68 को ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल स्वरूप देखिए कितना टफ कंपटीशन है, और उनकी भी सैलरी कोई लाखों में नहीं है, 50-60 हजार के ही रेंज में है, और आपको यहाँ पे आसानी से मिल रहा है तो लेने के लिए तैयार नहीं है, बात को समझते नहीं है। चलिए, यहाँ पर देखिए 4 लाख लोग, आप पता कर लीजिएगा, 4 लाख लगभग फॉर्म डालते हैं, जो सामान्य जो प्रशासनिक अधिकारी के लिए होता है, उसमें 300 सीट था 68 में, लगभग 4,000 या 3,000 कुछ
39,000 या 4,000 के आसपास रिजल्ट दिया गया मात्र। अब सोचिए 4,000 से भी कम लोग, यानी यहां पर 3,96,000 लोग फेल थे। सिर्फ प्री में मेंस में बैठेंगे तो क्या होगा, इसका ढाई गुना, यानी यहां पर 600 साढ़े 600 या मान के चलिए ढाई गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 750 लोग जो है मेंस में पास करेंगे, इंटरव्यू देंगे। उसके बाद 300 लोग होंगे तो वो हरेक जगह छन करके आ गए तो अधिकारी बनते हैं, एसडीओ बनते हैं, वीडियो बनते हैं। हमने भी दो दो बार इंटरव्यू दिया है, कहिएगा तो पूरा मार्कशीट सहित जारी कर देंगे। बस आज अधिकारी नहीं है तो एक प्रश्न हमने क्या किया था, उलट पुलट कर दिया, जिस सेक्शन में बनाना था उसमें ना बना करके वो जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गया, जितने नंबर काटे गए उससे कम नंबर से मेरा सिलेक्शन चुक हुआ। एक मेरा और चैनल है बीपीएससी मास्टर, उस पर भी मैं पढ़ाता हूँ, आप वो भी जो है देख सकते हैं, बीपीएससी का सिलेबस, उसमें भी हमने अच्छे से बहुत सारा मेंस का करवाया है, ठीक है। तो टीचर ऐसा नहीं कि योग नहीं है, हमारे जैसे बहुत हैं, हमारे जैसे बहुत शिक्षक हैं जो बीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू कई बार दे चुके हैं और वो 22,000, 25,000, 30,000 की सैलरी पे खट रहे हैं। बस क्या है कि एक दो नंबर घट गया, 2-4-5 नंबर आ जाता है, कहीं मिस्टेक कर गए, कई बार इंटरव्यू में 10-20 नंबर घट गया, एक बार इंटरव्यू में थोड़ा कम नंबर आया उसके कारण सिलेक्शन रुक गया, इंटरव्यू अच्छा किए तो प्रश्न जो है, मानसिक रूप से तनाव में रहिएगा, शिक्षक का जॉब है, टीचिंग का जॉब कर रहे हैं, मानसिक रूप से स्कूल जाना है, बहुत तरह के काम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको मिल रहा है तो पकड़िए इसको, ठीक है, नहीं तो फिर जॉब में आइएगा तो बैठ कर तैयारी कीजिएगा बीपीएससी का, यूपीएससी का, क्योंकि आपकी तो पूरेगी नहीं ना, 22,000-25,000 में आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या कहिएगा, बेहतर लाइफ के लिए पढ़ते लिखते क्यों है लोग, आपसे अगर कोई बेहतर लाइफ जो है ठेले वाले का होगा, जो मार्केट में गोलगप्पा बेच रहा है वो कमाएगा, उसका बच्चा अच्छा स्कूल जाएगा और आपका बच्चा जो है सरकारी स्कूल के भी कह सकते हैं कि जहां आपका ना कोई फैसिलिटी है ना कुछ, अगर वहां पे जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ही को शर्म आएगा। तो इससे क्या होगा, देखिए कि शिक्षा जगत में क्रांति आ जाएगी और अच्छे शिक्षक की बहाली होगी, तो प्राइवेट स्कूल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को, आपका जो बच्चे का भविष्य होगा वो भी अच्छा होगा, ठीक है। तो कहीं से तो इनिशियली होना है, इनिशियल स्टेज में अगर आप लोग बाधा दीजिएगा तो रुक जाएगा, और जो भी मौका जिनको मिलने वाला था, सरकार तो चाहती है इसी प्रकार से कुछ हो जाए कि बहाली ही जो है रोक दे, तो सरकार जैसे कह रही है हमारे समझ से, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं क्योंकि आपने एसटीईटी क्वालिफाई किया है, बिहार टीईटी क्वालिफाई किया है, सीटीईटी क्वालिफाई किया है, ठीक है, हमसे ज्यादा समझदार हो सकते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग पर जरूर जोर दें। मेरा मानना है ये, मैं अपने मानने के अनुसार जो मैं सोचता हूं, जिस प्रकार की मेरी थिंकिंग है, उस प्रकार से मैं बता रहा हूं कि यह एग्जाम आप लोगों के लिए वरदान है, जो भी नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए, पुराने वाले कर रहे हैं तो उनका जायज मांग, ठीक है। तो सिलेबस को लेकर के एकदम कंफर्म रहिए, यही पैटर्न फॉलो होगा, बाकी अगर एग्जाम होने देते हैं आप तब यह सब दिखाई देगा, मेरा कहा हुआ बात आपको याद आएगा, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप कोर्स से जुड़े ना जुड़े, आपको मैं पूरा कोर्स आपको करवाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, भले आपको पीडीएफ नहीं दूंगा लेकिन यूट्यूब पे आपको वीडियो जरूर मिलेगा मेरा, ठीक है। क्योंकि जो भी ऐप है या कंटेंट्स राइटिंग है या जो भी होता है तो वो लोगों के द्वारा किया जाता है, तो उनको वेज मैं नहीं दूंगा तो फिर काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज हेड टेन वो सबसे भी आपका इसी में सारा इंक्लूड है, ऐप में ही सारा इंक्लूड है, बाकी आपको वीडियो जरूर मिलेंगे और वो भी आपको कोई भी फी नहीं देना हो, ठीक है। हाँ, ये उनके लिए है जो पूरा पीडीएफ मटेरियल टेस्ट सीरीज सब कुछ लेना चाह रहे हैं और मिनिमम मात्र 1500 चार्ज रखा है, कोई ज्यादा नहीं रखा हुआ है, ठीक है। और उसमें आप सिलेबस देखिएगा तो आप देखिएगा टीचिंग एक अलग सिलेबस है, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स अलग सिलेबस है, फिर करेंट अफेयर्स का सिलेबस हुआ, अभी से लगातार अगर 2 महीने पढ़ाऊंगा तब जाकर के आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, तो इसमें मेहनत है तो उसी का वेज हम लोग लेंगे मेहनत करने का। बाकी आप लोग देखिए आपको जैसा करना है वैसा कीजिए,
एग्जाम देना है नहीं देना है, या नियोजित रूप से, या आप ये भी मांग कर सकते हैं कि पहले आप नियोजित रूप में हमें भी रख लीजिए, उसके बाद हम सब मिलके एक बार एग्जाम देंगे। लेकिन नियमावली ठीक है, आप अपना मांग रखिए, नियमावली को रद्द मत करवाइए, नहीं तो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी चलाएंगे। हाँ, वो कुछ लोग हैं जो या तो तुक्का में पास कर गए या सेटिंग से पास कर गए, वो लोग करेंगे ही, क्योंकि उनका तो अब खतरे में आ गया जीवन, जो सोच रखे थे कि अब टीईटी पास कर गए, सीटीईटी, अब तो नौकरी हो जाएगा, तो उनका जीवन खतरे में है, ठीक है। बाकी लोग को खुश होना चाहिए कि अच्छा है कि क्रीम बच्चे, अच्छे टीचर आएंगे, समाज का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा तो राज का कल्याण होगा, राज का कल्याण होगा तो अपने देश का कल्याण होगा, ठीक है। अगर मेरी बात को कोई लोग को बुरा लगा होगा मेरी बात, तो माफी चाहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।